फ्रेंड, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। भाई आज बारिश आ रखी है और बारिश की वजह से जा भी नहीं पाई टाइम पे, तो फिर अब जा रही हूँ मैं। बारिश होने लग रही है, ये देखो कैसा हो रखा है। अब थोड़ी स्लो हुई है तो अब फिर जा रही हूँ, वैसे ही लेट हो गई आज। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर ऑफिस में। भैया आ गए हम ऑफिस, जल्दी जल्दी आई हूँ, भगाए भगाए क्योंकि लेट हो जाते हैं। पता नहीं फिर भी ऑफिस वालों ने कॉल कर रखे है नंबर पे क्यों, और साथ में ये सामान भी है। बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज, ठीक है, बी वॉक ये आता है। इसमें जो अलग अलग कोर्सेज करवाए जा रहे हैं ना, नाम से समझ में आ रहा होगा, बैचलर है यानी कि डिग्री है, यानी कि 3 साल का प्रोग्राम है। ड्यूरेशन कितने का? 3 ईयर्स का। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, कौन कौन कर सकता है? जिसने 12वीं पास कर रखी हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से की हो, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस, कहीं से भी हो, वो इसको कर सकता है। एज तो कोई बात नहीं है, कितनी भी एज वाला कभी भी किसी भी टाइम कर सकता है, सिर्फ शर्त ये है कि उसने 12वीं पास कर रखी हो। दूसरी इसकी फीस इसकी आती है 50,000 से 35,000 के बीच में। 50,000 जनरल कैटेगरी का कोई अगर मेन कैंडिडेट है उसके लिए 50,000 है। अगर कोई लड़की है तो उसकी जनरल कैटेगरी की 40,000 फीस है, ओबीसी की 40,000 फीस है, ठीक है, और एससी एसटी की 35,000 फीस है, यानी कि 50,000 से 35,000 के बीच में इसकी फीस है। और इसके अलावा एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप भी मिलेगी, ठीक है। स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, डायरेक्ट स्कॉलरशिप उन्हीं के अकाउंट में आती है। अब कोई पूछे कहाँ से करवाते हो, कहाँ से एफिलिएटेड है, ये एफिलिएटेड है लिंगायत विद्यापीठ फरीदाबाद। जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री जो भी बन के आएगा आपका, जो भी आप करोगे वो आपका यहाँ से आएगी, फरीदाबाद में जो लिंगायत विद्यापीठ है वहाँ से। और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है यानी कि अर्ध सरकारी, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरा चलेगा नहीं चलेगा क्या है, क्योंकि अर्ध सरकारी यानी कि आधी सरकारी आधी प्राइवेट है। तो ये आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है डिग्री वो हर जगह पर चलेगा। और इसमें कौन कौन से कोर्स हैं, इसमें हमारे पास पहला रेडियोलॉजी, जिसमें आपके MRI CT स्कैन एक्सरे ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। इनसे रिलेटेड आपको रेडियोलॉजी का साथ में इमेजिनिंग का सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो है फिजियोथेरेपी का, यानी कि फिजियोथेरेपी में जितनी भी अलग अलग टेक्निक्स वगैरह सिखाई जाती हैं, जो पेन वगैरह को रिलीव करने के लिए जो कुछ भी होता है वो सब कुछ वो होगा फिजियोथेरेपी में। लैब टेक्नीशियन, जितने भी टेस्ट होते हैं जो भी लैब में करवाए जाते हैं, ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, स्टूल सैंपल हो, शुगर टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं दुनिया जहान के, वो सारे लैब टेक्नीशियन को सिखाए जाएंगे। कार्डियक केयर, इसमें आपको हार्ट से रिलेटेड किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर में आपको उसके सुपरविजन में काम करना पड़ेगा उसके साथ में, और वहाँ पे वो आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। और फिर डायलिसिस टेक्नीशियन, किडनी से रिलेटेड नाम से समझ में आ रहा है, किडनी से रिलेटेड जितने भी डायलिटिक के पास में आप काम करेंगे वो आपको सब कुछ सिखाएगा। ऑप्टोमेट्री आंखों से रिलेटेड है, मतलब आंखों की कितनी डिजीज है, किस टाइप की, उसको कैसे क्योर करना है, नंबर वगैरह जो कुछ भी पावर का होता है वो सारी चीजें इसमें आपकी शामिल होती है। ये तो थे इसके अलग अलग कोर्सेस। इसके अलावा इसमें प्लस पॉइंट क्या है वीवॉक में, कि इसमें आपका सिर्फ 30% थ्योरी होता है, बाकी 70% आपकी चलती है ट्रेनिंग, यानी कि साल में 3 से 4 महीने की क्लासेस होंगी, उसके बाद आपकी हॉस्पिटल में डायरेक्ट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मतलब जितना भी आपको सिखाया जाएगा वो सब कुछ आप प्रैक्टिकली करके सीखोगे, ऐसा नहीं है कि बस आपको बता दिया आप क्लास ले ली खत्म हो गया, नहीं, आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लोगे और ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। बहुत से हॉस्पिटल पे करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते, कुछ कम करते, कुछ ज़्यादा करते, वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर और हॉस्पिटल के ऊपर कि वो कितना स्टाइपेंड देंगे। इसके अलावा इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि ये जो वीवॉक वाला कोर्स है ये बाकी आपके डिग्री प्रोग्राम से कैसे अलग है। जैसे डिग्री हम करते हैं तो उसमें अगर हम 1 साल करते हैं, 1 साल करके अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी वो साल वेस्ट चली जाती है, वो काउंटर नहीं होती कहीं पर भी, फिर हमको दोबारा से शुरू करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर हम 1 साल का ही ये करना चाहें तो हमें उस 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ भाई मैंने 1 साल किया था, मेरा ये सर्टिफिकेट है। 2 साल में मेरा डिप्लोमा कम्प्लीट हो जाता है, मुझे डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल में मेरी डिग्री कम्प्लीट हो जाएगी। अगर इसमें मैं 1 साल करके छोड़ भी देती हूँ, 4-5 साल के बाद मुझे दोबारा से ऐसे लगे नहीं मुझे आगे अपनी डिग्री कम्प्लीट करनी है, तो मेरा वापस सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा, मुझे फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं।
और अगर आप 3 साल कंप्लीट करके डिग्री हासिल करते हो तो हम इसमें आपको 100% जॉब प्लेसमेंट देंगे, वो हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हम आपका प्लेसमेंट करवा के देंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो बच्चे ट्रेनिंग के दौरान ही हायर कर लिए जाते हैं, तो वो वहीं के उसी हॉस्पिटल में काम करने लग जाते हैं। अलग से ठीक है, ईएमटी है एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं? ये मोस्ट ऑफ द केसेस में, नहीं, ये एम्बुलेंस जो होती है ना, जो पेशेंट को लेके जाती है और छोड़ के जाती है, उनमें ये हायर किए जाते हैं। क्योंकि एमरजेंसी में जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट की, यहाँ पे उसको एमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट देना है वो इनको पता होता है। तो आजकल तो ये कंपल्सरी करते हैं कि हर एक एम्बुलेंस में एक ईएमटी होना ही होना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। आपका वैसे तो 1.5 साल का कोर्स है, ठीक है, और इसकी फीस है 25,000 रुपये, 15 है इसकी फीस, 15,000 रुपये है, ठीक है। 1.5 साल का है, किसी को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है तो उसका एक्सपीरियंस की बेसिस पर थोड़ा जल्दी रहता है, क्योंकि 4-5 महीने की उसकी क्लासेस होती है, उसके बाद में उसकी ट्रेनिंग होती है, तो वो स्टार्टिंग से अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं क्लासेस ऑनलाइन लेके। ये है ईएमटी का, ये भी यहीं से करवाए जाते हैं सारे। इसके अलावा पेशेंट केयर मैनेजमेंट है, पीसीएम 1 साल का है, 15,000 फीस है इसकी, और ये भी 1.5 साल का है, 1 साल का है, कितनी फीस है, और ये यहीं से करवाते हैं, और यहीं से सारे सर्टिफिकेट होते हैं। ये इसमें कौन कौन कर सकता है? 12th पास कोई भी हो वो कर सकता है इसको, जैसे बीवॉक में कर सकते हैं ना, वैसे इन दोनों को भी कोई भी 12th पास कैंडिडेट हो वो कर सकता है, और इनमें भी प्लेसमेंट देते हैं हम, इन दोनों का भी प्लेसमेंट करवा के देते हैं, ठीक, तो वहाँ भी मिलता है दोनों का सर्टिफिकेट। तो ऐसे मिल सकता है, कोई पहले कर रखा हो 6 महीने का सर्टिफिकेट हो जाएगा, और 1 साल का लेगा तो भी फिर मिल जाएगा। मैडम हाँ, ये भी सारे हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग बजाओ, कोई फोन में बजाओ, कितने पैसे लेकर बंद करना छोड़ दिया प्राइवेट जेट करा कि 200 रुपया था आपका खर्च। एक सेकेंड वन बाय वन ना। अरे मेरे पता है, सुनो सुनो, वो
बहुत याद आ रहा है मेरे। फोटो ले लो ना कैमरा के, मेरी वीडियो चल रही है भाई। हाँ तो वीडियो बीच में कैप्चर हो जाए ना स्क्रीन शॉट लो किसका, इन दोनों का। नहीं बस थैंक यू। आओ भाई केक खाए अब भाई। मानसी की और एक्टिंग स्टार्ट हो गई देख लो। उसने वीडियो भेजी है।